नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आज से 9 नवंबर के दौरान प्रदेश के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने इसका सर्कुलर जारी कर पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। आज भारतीय सेना की स्थापना दिवस है, जहां 8 अक्टूबर सन 1942 को इसकी स्थापना हुई थी। तब इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। बाद में भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसमें से रॉयल शब्द को हटा दिया गया और यह भारतीय वायुसेना बना। भारतीय सिनेमा में शानदार प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को सम्मानित करने के लिए आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित किया जाएगा, जिसमें मनोरंजन जगत के कई हस्तियां, सितारे और राजनीतिक हस्तियां शामिल होंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विजेता कलाकारों को अवार्ड आवंटित किए जाएंगे। गाजियाबाद पुलिस ने अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट शेयर करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। जुबैर पर यति नरसिम्हानंद से जुड़े विवादित पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने का आरोप है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष और डासना देवी मंदिर से जुड़ी डॉक्टर उदिता त्यागी ने जुबैर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान, कहा अगले 100 दिनों में 2.43 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 420 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न योजनाओं के तहत 1650.33 करोड़ रुपए लाभुकों के खाते में अंतरित किए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने की बड़ी घोषणा, कहा संविदा कर्मियों को करेंगे पक्का, बिजली पानी पर मिलती रहेगी सब्सिडी। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में कांग्रेस पार्टी के नेता के बेटे तरनजीत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान धीरज बत्ता उर्फ धीरू, अमिंदर सिंह उर्फ प्रिंस, संदीप बॉक्सर और नीरज कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी पिस्तौल, 2 लोहे की दाह और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू आजकल भारत के 5 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद कल देर शाम पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मोइजू की हैदराबाद हाउस में एक बैठक हुई, जहां कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। बता दें कि आज भी मोइजू भारत के ही दौरे पर रहेंगे और कई सरकारी मीटिंग में शामिल होंगे। आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आएंगे, जहां मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगा और करीब 2 बजे तक यह पता चल जाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है। हालांकि एग्जिट पोल में कांग्रेस गठबंधन को भारी पड़ता हुआ दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा कल इंडोर स्टेडियम कवर्धा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 18,000 से अधिक आवासहीन ग्रामीण परिवारों को उनके नए स्वीकृत हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का अविकृत पत्र वितरण कर सम्मानित करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव से उत्साहित कांग्रेस पार्टी ने झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है, जहां कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा दिल्ली में 23 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही 10 से ज्यादा राज्यों में आज और कल आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 8 महीने की गर्भवती युवती को उसके प्रेमी और परिजनों ने जबरन गर्भपात की गोलियां खिलाई, इसके बाद उसका प्रसव हो गया। पीड़िता का आरोप है कि उसके बच्चे को मृत घोषित कर कहीं दफना दिया गया। युवती की शिकायत पर उसके प्रेमी समेत 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में मौजूद एक कोयला खदान में जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई। धमाके की वजह अब तक पता नहीं चल पाया है। बता दें कि इससे पहले भी यहां एक जबरदस्त धमाका हुआ था जिसमें 3 मजदूरों की जान चली गई थी। मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता जीतू पटवारी ने सवाल उठाया कि मध्य प्रदेश के हालत पंजाब से भी बदतर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पानी लाने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जबकि MD और शराब जैसी नशीली दवाएं सभी जगह उपलब्ध है। राजस्थान के दौसा जिले में एक डंपर ने 3 बाइकों को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। शुरुआती जांच में पता चला है कि डंपर के ब्रेक फेल हो गए थे। दीपावली से पहले दून वासियों के लिए बिजली कटौती मुसीबत बनकर आ रही है, जहां शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों और मसूरी तक में बिजली की लाइन बदलने और मरम्मत कार्य के चलते कई इलाकों में शटडाउन रहेगा। करीब 2 हफ्ते तक रोजाना 7 घंटे बिजली आपूर्ति ठप रहेगी, जिससे लोगों को काफी परेशानी होने वाली है। झारखंड सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई नई योजनाएं शुरू की है। राज्य में अब किसी भी किसान को KCC किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ेगा, बशर्ते कि किसान ने अपने ऋण की सारी किस्तें समय पर जमा की हो। हिमाचल प्रदेश के पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें बैरियर पर लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने बैरियर पर फास्टैग से वाहन शुल्क काटने की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।